अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हलार यासीन आरन शबाना नवाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सहकार से अवां सा मुखातिब आया। जी तो मैथमेटिक्स जिथे अस छी हुई अज उतं का शुरुआत कंदी क्लास पंज के चैप्टर नंबर फोर जो बो हिस्सो 4.10 का अस शुरू कंदी जो डेसिमल्स वगैरह चैप्टर हो दह ही आंगन वो उन शुरुआत कंदी एक्सरसाइज नंबर 4.10 की तरफ हलंदा। सो असि एक्सरसाइज नंबर 4.10 उतं का शुरू कंदी। हाँ एक्सरसाइज 4.10 में चे तो सिंप्लीफाई, सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है पर डेसिमल फॉर्म में। हाँ उन्हें पैरों जो दर्जो असेंगे दिए तो अकॉर्डिंग टू बारमास रूल अस सब का पैर ब्रेकेट छदाइंदा। सो पैर ब्रेकेट के सॉल्व कंदी अचो क्यों 2.24 में एड कंदी 4.68 अस खबर हूँ डेसिमल डेसिमल के हेठा ही रखा। हाँ इनके एड क्यों 8.4 टोलियो 2 इतने वन आयो इतने इतने टे छः नव डेसिमल अस सागी लाए रखी 2 and 4 6 मतलब इन ब्रेकेट जो जवाब आयो अस 6.92। हाँ अस ब्रेकेट जो जवाब रखी 5.6 + 7.22 सेम माइनस ब्रेकेट जो जवाब आयो अस 6.92। हाँ 5.6 और 7.22 अस प्लस जहाँ माइनस जो है 6.92 पैर अस प्लस छाई प्लस वारा एड कंदी 7.22 5.6 5.6 डेसिमल डेसिमल के हेठा रखना इतने अंग फुटल आ जीरो दई छो को फर्क न तो पे 2 सेम रखा 2 and 6 8 पॉइंट अस ला दिनी 7 and 5 12 मतलब 12.82। हाँ इन 5.6 और 7.22 के अस एड किया तो अस जवाब आयो 12.82। हाँ इन में सब्ट्रैक्ट कंदी माइनस 6.92 अचो इन में 6.92 सब्ट्रैक्ट क्यों डेसिमल डेसिमल के हेठा यह गाल तक याद रखनी है। हाँ 2 में 2 या 0 8 में 9 ना वन तो एक से हेदा 10 के मैं वी दी इतने दिया 18 में 9 वह बचा 9 पॉइंट है इतने असि पॉइंट सागे ला दिन। हाँ इतने बाकी बचो अस एक अस होदे दिनोसी। हाँ एक बार इतने आते थी 11 में 6 वह 5 अस जवाब आयो 5.90। यो अस एक्सरसाइज 4.10 जो पे हिसाब बया जी प्रॉब्लम इन सा मुशाबत रखा उसे तक चाहिए तो तुम होमवर्क आवा कजो जो नो दे कमेंट्स में असा पुछी वो अस तक बुधाइंदा। हाँ अचूँ था अस एक्सरसाइज 4.11 से। हाँ उन्हें में असा राउंड ऑफ फॉलोविंग। हाँ राउंड ऑफ करण का पैर अस कुछ उसूल जहन में रखना पैदा उ उसूल ये हूँ जैसे दहाई का पोवारो दर्जो मिसाल पंजन का वो आसा वो अंग निगलेक्ट कटे अंग में दहाई का जो लेफ्ट पास हों उन्हें एक जोड़ कदम जो पंजन में घट आ तो वो सेम ही रो है। हाँ अचूँ था एक्सरसाइज तरफ कड़ो दर्जो मिले असेंगे दर्जो मिले 2.3 अस इनके राउंड ऑफ कंदी। राउंड ऑफ करण पे अस उसूल चेक कंदी। हाँ ऐसो तो जो पॉइंट का इन पास 3 आयो पंजन का लेस आ पंजन का घट आने के अस खत्म कर छींदी सिर्फ 2 लिखी पॉइंट खत्म थी सिर्फ 2 लिखी बस जैसे पंजन का मथे हो मिसाल की गाल 5.6 हो हाँ 6 ऐसो तो पंजन का मथे आने कटन का एक अस एड कंदी तो हाँ इन जो जवाब अची तो 6 मतलब पॉइंट खत्म थी अड़ी तरह जैसे हो 4.3 तो इन जो जवाब इन 4 पंजन का लेस उन लाइन असा सेम ही रखो एक न लिखो जैसे 4.9 हो 9 5 का वो आने अस इन जो जवाब 5 लिखी इनके कटने का इनमें एक एड कंदी। यो ही असि एक्सरसाइज 4.11 सिंपली राउंड ऑफ करना जो उसूल असा उ याद करना जैसे पंजन का डिजिट्स वो आए अंग में अस एक एड कंदी जैसे नंढो आ तो सेम ही रखी। हाँ असि एक्सरसाइज नंबर 4.12 है उनमें चे तो अस फ्रैक्शन मिलल उनके डेसिमल में कन्वर्ट करो ये अस पे सीखी आया हूँ पर इनमें 4.12 में सागो ही तरीको चे तो हाँ असर आ 7/8 मतलब डिवीजन थी 8 के 7 से। हाँ 8 की टेबल 7 न थी वे अस पॉइंट दई इतने 0 दींदी। हाँ 8 की टेबल 70 तो घना दफा वी 68 मतलब 8 टाइम वही 8 टाइम वही तो हाँ इतने अस बाकी घना बचा 6 बचा। हाँ 8 की टेबल वरी 6 न थी वे अस 0 दींदी 8 की टेबल 60 से 5 * 40 6 * 48 7 * 56 7 टाइम्स वही
बचा असट चार हाँ वरी अस हथरा तू जीरो दींदी आर्टिफिशियल हाँ अठ जी पंज अठ चाली पूरी पूरा खोड़ो वो पूरी टेबल वही चाली जीरो जीरो मतलब अस जवाब आयो पॉइंट 875 इनके अस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हूँ तो अगर जीरो दींदा हूँ 875 बस असा के यो ही फ्रैक्शन मिलल हो डेसिमल में कन्वर्ट करो सागी आए 4.12 इन जो बी पार्ट आए बी पार्ट में यारी असा के डेसिमल डिजिट मिलल उनके अस फ्रैक्शन में चेंज करना से मिसाल गाल असा के दर्जो दिनो तई 0.5 चाहे तो इनके फ्रैक्शन में क्यों अस सिंपली टेस्ट की तैयारी था क्यों तो बस डायरेक्ट मेथड ही तक बुधाई तो हाँ ऐसो तो को भी डिजिट्स हों उन कंसिडर कर एक हों मिसाल गाल पंज हों न इन हेठा एक लाजमी हों पर अस अंडरस्टूड हों लिखा ना ठीक हाँ 0.5 आ ये समझो इन एक है हाँ अस ही जेतरा चक्कर दहाई के हेडे टपाइंदी तो ओतर बुड़ी दींदी हाँ मिसाल गल ही भी याद कर छोड़ो तो मिसाल पंजवंजा है तो इतने डेसिमल होंगी पर वह अस दींदा ना तो बस होल डिजिट्स हाँ 0.5 आ पॉइंट के असा इतने खी आयासी मतलब एक दर्जो टपायासी तो एक बुड़ी दींदी एक पे हुए अंडरस्टूड मतलब जवाब आयो पंज अपान दह हाँ इनके सिंपल कहसी तो 1/2 अस जवाब आयो हाँ अड़ी तरह मिसाल की गाल अस हो 22.55 हाँ इनके जैसे अस फ्रैक्शन में चेंज क्यों आ तो दहाई के अस दर्जा था टपाई तो हेठा एक तो अंडरस्टूड हों दर्जा टपाई तो बुड़ी दींदी मतलब अस जवाब अचे 22.55/100 हाँ जैसे इनके सिंप्लीफाई करना चाहो तक कर सो यो अस डेसिमल के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर हाँ अस अचूँ एक्सरसाइज नंबर 4.14 एक्सरसाइज से अचूँ उनमें असा चे तो एक डिजिट्स मिलल उनके पे अस परसेंटेज में कन्वर्ट कंदी परसेंटेज में कन्वर्ट कर उनके डेसिमल में कन्वर्ट कंदी हाँ अस पर्यों दर्जो दिए तो 25% यो अस दर्जो दिनो वो चे तो इनके पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर उन्हीं का डेसिमल में क्यों हाँ अस खबर आ परसेंटेज मतलब 500 मतलब 25% जो अस ये मकसद समझासी तो ये अस 25/100 परसेंटेज मतलब 500 ये तक गाल याद कर छो मिसाल गाल 5% हो अस चवी 5/500 मतलब अपान में 100 दींदी जो डिजिट्स मिलल हों हाँ इनके अस परसेंटेज में कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में परसेंटेज के फ्रैक्शन में कयासी हाँ इनके वे डेसिमल में कंदी तो इनको डायरेक्ट मेथड हों पर अस तरीके से क्यों 25 खोड़ो नो वे पॉइंट दे 0 दींदी 250 से 100 की टेबल 2 times अस बचो 50 अस आर्टिफिशियल 0 दींदी 100 की टेबल 500 से 5 times रिमाइंडर अस 0 बचो मतलब अस जवाब आयो 0.25 इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना 0.25 मतलब जी अस वो परसेंटेज के फ्रैक्शन में करें उन डेसिमल में क्यों असा क्यों जवाब अस अची वो यह हुई एक्सरसाइज 4.14 एक्सरसाइज असम ही है 4.14 इन जो बी पार्ट है हाँ बी पार्ट में असो बी पार्ट में असो डिजिट्स मिलल वो डेसिमल फॉर्म में मिलल है हाँ उनके अस पे फ्रैक्शन में चेंज कर परसेंटेज में कन्वर्ट कंदी मिसाल गाल अस दर्जो मिलल है 0.8 डेसिमल फॉर्म में मिलल है हाँ 0.8 के अस पे फ्रैक्शन में कंदी तो सागो ही तरीको जी अस तक बुधायासी तो जैसे पॉइंट के एक अंडरस्टूड हों एक हेटा लाजमी हों को भी दर्ज हों उनके हेटा एक सागी गाल रिपीट कई हाँ पॉइंट के अस एक टाइम से टपाई था तो हाँ इतने असो एक टाइम टपाई एक 0 दींदी मतलब जवाब आयो अस 8/10 मतलब 0.8 के अस फ्रैक्शन में चेंज किया तो अस जवाब आयो 8/10 हाँ 8/10 के परसेंटेज में किए कंदी हाँ अस यो इनका बटे तरीका हूँ जो ईजी वे अस वो ही सॉल्व कंदी अस परसेंटेज मतलब 500 हाँ इतने 10 आ इतने इनका कड़ो डिजिट्स अस मल्टीप्लाई क्यों जो जवाब अस 100 अचे यकीन वो असो डिजिट्स है 10 10 के 10 से मल्टीप्लाई कंदी तो 500 अची पर यो गाल गाल लाजमी याद करनी है तो जो डिजिट्स तुम हथराज तौर हेठ मल्टीप्लाई कर वो सागो डिजिट्स तक मथे जो असो न्यूमिनेटर आ उन मल्टीप्लाई करो पव मतलब हाँ इनके सॉल्व क्यों तो जवाब हो 8×10 80/10×10 100 हाँ अस खबर आ तो 100 मतलब परसेंटेज जवाब इन अस 80 सेम रखे 100 की जगह अस परसेंटेज दई छी दर्द मिलल अस डेसिमल फॉर्म में उनके असि कन्वर्ट फ्रैक्शन में 8/10 आयो जवाब उन 8/10
के असं फ्रैक्शन के परसेंटेज में कन्वर्ट किया से यो 4.14 जो बी पार्ट ब्याज के हिसाब इन तमा जो होमवर्क है जकदा अन्या को नथो थे कमेंट में असा का पुछी वठ जो असा ताके करे देखारना से हाने असा जे फोर्थ जको चैप्टर आ उने जी लास्ट एक्सरसाइज आ 4.15 उने में असा के जके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन मतलब रोजमर्रा जी जिंदगी जके हिसाब किताब दर्जन में मिले लेना असा के उने जो पहिरो हिसाब आ असा हट तो बस दर्जो कोन ता लिखाऊ ता के पढ़ी ता बुदाई 480 स्टूडेंट्स विजिटेड अ बुक फेयर 480 शागिर्दन एकड़ो किताबी मेलो घुमियो आउट ऑफ देन 45% आर बॉय उन्हनि मां 45 छोक जेके परसेंट आहिनि उहे छोकिरा आहिनि हाउ मेनी बॉयज़ विज़िटेड द बुक फेयर केतिरनि छोकिरनि उहो किताबी मेलो घुमियो हाणे असां टोटल स्टूडेंट केतिरा आहिनि 480 उन में चए थो त 45% आर बॉयज़ आर बॉयज हाणे 480 जी असां परसेंटेज कढंदासीं असांखे ख़बर आहे 480 जी परसेंटेज कढण लाइ असां 480 लिखी हाणे 45% जीअं पोईं एक्सरसाइज़ में असां कयासीं इन जो मतिलबु आहे 45/100 परसेंटेज मतिलबु 100 ऐं परसेंटेज कढण लाइ असां मल्टीप्लीकेशन ॾींदा आहियूं मतिलबु 480 जो 45% जो ऑफ मतिलबु मल्टीप्लीकेशन हाणे हीअ 0 में वई हाणे 48 ते हिन ते 2 जी टेबल वञे थी 24 चकर हिन ते 5 × 2 = 10 हिन ते वरी 5 जी टेबल हिकु दफ़ा हिन ते 9 हाणे 9 खे 24 सां असां मल्टीप्लाई कंदासीं त असांजो जवाबु ईंदो 216 बसि कयूंसि कोन था मल्टीप्लीकेशन तव्हांखे अचे थी तव्हां करे ॾिसिजो 9 खे 24 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त एंसर ईंदो 216 मतिलबु 480 मां जेको 45% जेके छोकिरा हुया उन्हनि जो तइदादु हुयो 216 मतिलबु 216 छोकिरनि जेको आहे सो उहो किताबी मेलो घुमियो हाणे 480 स्टूडेंट आहे उन मां 216 असांजा छोकिरा हुई असांजी एक्सरसाइज़ नंबर 4.15 ऐं इन सां गॾु फोर्थ चैप्टर असांजो कंप्लीट थियो इन सां गॾु जेकॾहिं असांजी वीडियो तव्हांखे पसंदि आई आहे त लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कंदा शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते जेकॾहिं तव्हां नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा जीअं असांजूं नयूं मालूमाती वीडियोस अवां ताईं आसानी सां पहुची सघनि अलाह निगहबान पंहिंजो ख़्यालु रखिजो।